सच्चे दरबार की। क्या लिखा है? मांगी ना वना केवट आना, और कहा तुम्हार मरम में जाना। केवट कहता प्रभु आज आप हमसे बच करके नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि मैं आपके मरम को जानता हूँ। केवट कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा जो कहता भगवान मैं आपके मरम को जानता हूँ। जबकि दशरथ मरम जाने जो पौते तो काहेक बनवास पठौते, और मरम न जान सकी महतारी लगी खिलावत वारी वारी। भगवान के मरम को माताएं नहीं जान पाई जो बारी बारी से करके भगवान को गोद से खिलाया। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना जो कछु चरित्र रचो भगवाना। लक्ष्मण जी को भी भगवान के बारे के मरम के बारे में नहीं पता है, और इस मरम के बारे में कौन जाता? सिर्फ राम और केवट। यहाँ वो मरम जाने भगवाना, और मांगी ना वो न केवट माना। भगवान ने नैया को मांगा लेकिन केवट नैया को लेकर के नहीं आया। क्यों? कहता प्रभु आज बिना तुम्हारे चरणों को धोए तुमको नाव में नहीं बिठाएंगे। तो केवट कहता प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। केवट पूर्व जन्म का कौन है? केवट पूर्व जन्म का कछुआ है, और कछुआ को श्राप था कि जिस दिन क्षीर सागर में तुम श्री भगवान विष्णु जी के चरणों को स्पर्श कर लोगे उसी दिन से तुमको कछुआ योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और कछुआ जाता है पूर्व जन्म में क्षीर सागर में, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों को पखार रही हैं, और शेषा उतारी लक्ष्मण जी हैं। वो कछुआ गया और सोचने लगा लाओ भगवान के चरणों को स्पर्श कर लें, हम मानव हो जाएंगे। कछुआ जैसे चरणों की तरफ से गया, लक्ष्मी जी ने तुरंत भगा दिया, चरणों को स्पर्श करने नहीं दिया। अब कछुआ सोचने लगा भगवान के शीश तरफ से जाए, और जब शीश तरफ से गया तो शेषा उतारी लक्ष्मण जी ने 1000 फुफकार मार दिया तो कछुआ बड़ी दूर चला गया। कछुआ बेचारा परेशान है कि एक बार केवल भगवान के चरणों को पखार लूं और मैं इंसान बन जाऊं, लेकिन लक्ष्मी जी मिलकर के और शेष जी मिलकर के पखारने नहीं देते। ये पूरी लीला भगवान श्री हरि विष्णु देख रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये कछुआ हमारे चरणों को बार बार पखारना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी जी मिलकर के शेष जी इनको पखारने नहीं दे रहे हैं। और उस कछुआ को भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वरदान दिया कि कछुप तुम आज मेरे चरणों को पखारना चाहते हो, लेकिन ये लक्ष्मी जी और शेष जी मिलकर के तुमको पखारने नहीं देते हैं, तुमको चरण स्पर्श करने नहीं देते हैं। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम त्रेता केवट हुई हो जाई, तब तुमसे हम चरण धुलाई। कच्छप मैं तुमको वरदान देता हूँ, जैसे लक्ष्मी जी शेष जी मिलकर के आज तुमको परेशान कर रहे हैं, मेरे चरणों को स्पर्श करने नहीं देते हैं, और त्रेता युग में जब तुम केवट होना तो तुम लक्ष्मी जी को और लक्ष्मण जी को परेशान कर लेना। लक्ष्मी जी कौन हुए त्रेता युग में? सीता मैया। शेष जी कौन हुए? लक्ष्मण जी। और भगवान श्री राम जी जब पहुंचे ना तो केवट तुरंत जान गए ये वही भगवान क्षीर सागर वाले हैं, और जो लक्ष्मी माता मुझे भगा देती थी ये वही सीता हैं। जो शेष जी 1000 फुफकार मार देते थे ना फनों से, ये वही लक्ष्मण हैं। आज मेरा दिन आ गया तो मैं परेशान कर लूंगा। भक्तों कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब दिन होतना एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना, और एक दिन भरे डोम घर पानी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि महाराज हरिश्चंद्र जी डोम के घर जल भरने के लिए जाएंगे, पानी भरने के लिए जाएंगे, इनकी ऐसी दशा हो जाएगी। यहाँ तक कि जो रोहित था उनके पुत्र को सर्प डस लेता है, कैसी दशा हो गई। कभी भी किसी चीज पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर अभिमान हो गया, कई लोग तो होते हैं अगर भगवान ने ज्ञान दे दिया तो उनको अपने ज्ञान का अहंकार हो गया, अगर बल दे दिया तो बल का अहंकार हो गया, रूप दे दिया तो रूप का अहंकार हो गया, और धन दे दिया तो धन का अहंकार हो गया। लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। जब अभिमान रावण का नहीं चला तो हम लोग तो बहुत छोटे छोटे इंसान हैं। बस यही कहिए
जाही विध राखे राम ताही विध रहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। बोली सच्चे दरबार की जय हो। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जब केवट के घाट पहुंचे तो भगवान श्री राम जाकर के केवट से कहते, केवट भैया नैया को लेकर के आओ। केवट ने इशारा कर दिया, भैया हम लेकर के नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। जैसे लक्ष्मण जी ने लक्ष्मी जी ने मुझको परेशान किया था ना, वैसे आज हम भी तुमको परेशान करेंगे। भगवान कहते, केवट भैया मेरा 14 वर्षों का वनवास हो गया है, आप जल्दी नैया में बिठाइए और गंगा से उस पार उतारिए। लेकिन भक्तों, केवट कहता, प्रभु ऐसे नहीं आपको नैया में बिठाऊंगा। क्यों? केवट बड़ा बुद्धिमान है, सोचता है इन्हीं के चरणों की धूल पड़ते ही जब एक शिला नारी बन गई थी, तो मेरी नैया तो लकड़ी की है, और अगर भगवान के पैर लग गए एक और नारी बन गई, तो एक नारी में वैसे इतना परेशान, दो दो हो जाएंगे, मेरी मरम हो जाएगी, मरत मर जाएंगे हम, तो करें क्या? जब तक कि तुम्हारे चरणों को नहीं धो लेंगे ना, तब तक कि तुमको नैया में नहीं बिठाएंगे। अब आप बताओ, चरणों को धोएं या ना धोएं? भगवान कुछ नहीं बोलते, ये मत सोच लेना करुणा निधान कि बिना चरणों को धोए तुम्हारे बिठा लेंगे, बिठाएंगे नहीं, चाहे पूरा दिन बीत जाए चाहे पूरी रात बीत जाए। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया क्या तुम ही नहीं हो, और किसी को बुला लेंगे? तुम ही थोड़ी ना हो, और लेकर के जाओगे तो हमसे किराया लोगे या ऐसे लेकर के जाओगे? केवट कहने लगा, लक्ष्मण क्रोध मत करिए, और अगर ना मानो तो किसी को बुला करके देख लीजिए, मेरे अलावा तुमको कोई पार उतारेगा भी नहीं। केवट कहता, प्रभु बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। केवट कहता है, प्रभु बिल्कुल छोटी सी बात है, कौन सी? मालिक है सब कुछ बुला।
और में ये मत समझ लेना कि तुमको अपने नैया में बिठा लेंगे। लक्ष्मण जी कहने के क्रोध आ गया, भैया छोड़ो कोई यही थोड़ी ना है, दूसरे को बुला लेते हैं वो पार करा देगा। केवट कह लगा कि लक्ष्मण भैया क्रोध मत करिए, क्यों धुलाओगे ना तब तक कि आपको अपने नैया में नहीं बिठाएंगे। केवट के मन में शंका है, क्यों छुवंत सिला भई नारी सुहाई। महाराज गौतम ऋषि की पत्नी के सिला में, अहिल्या माता के सिला जो पत्थर था, जरा से भगवान की चरण की धूल पड़ गई। जब एक सिला नारी बन सकती है तो मेरी नैया तो काट की है प्रभु, ये वही चरण, मुझे पागल मत बनाइएगा, मैं कभी तुमको बिठा ही नहीं सकता हूँ। आप ये मत समझो कि बातों में आकर के आपको बिठा लेंगे। बोलते जा रहा। और जब कोई छोटा बच्चा पिताजी से झगड़ा करने लगता है, कुछ कहने लगता है, ज्यादा बोलने लगता है, तो पिताजी क्या करते, आराम से बैठ करके सुना करते, बड़ा अच्छा लगता सुनने में। ये देखे कितना बोलता जाएगा। केवट कहता जा रहा, भैया पागल मुझे मत समझ लेना, ये मत कहना कि हम तुमको बिठा लेंगे जब तक कि आपके चरणों को नहीं धोलेंगे ना, कितना भी मुस्कुराओ, ये मत सोचना कि हमारी तरफ देखने लगोगे हम भूल जाएंगे, आपको बिठा ही नहीं सकते हैं। केवट कहता है, भगवान कहने लगे ठीक है केवट भैया, जाइए आप मेरे चरणों को धुलिए, अब करें ही क्या, मजबूरी है। और लक्ष्मण जी मार गुस्सा किनारे खड़े होकर कहा, बताइए का